बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई, धूप ऊपर आ गई, तकरीबन टाइम हुआ है, टाइम हो गया मेरे ख्याल से अंदाज़न ढाई हो गए, दो ढाई एक्चुअली। बस जिसमें काम पे चले गए, रमज़ान आने वाला है, सबको पता है कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि रमज़ान की शॉपिंग, मतलब ईद की शॉपिंग और रमज़ान की भी जो होती है शॉपिंग, वो हम लोग पहले ही कर लेते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में फिर जो है बड़ा मामला तंग हो जाते हैं, बाज़ार में भी बहुत रश, मार्केट में बहुत रश हो जाती है, मॉल्स में जाओ वहाँ रश, मार्केट में जाओ वहाँ रश, जहाँ जाओ वहाँ रश, और फिर टेलर भी नखरे करता है टाइम ही है टाइम ही है, और बहुत मामला। फिर बंदा रोज़ा रख के मार्केट में पूरा दिन फिर भी नहीं सकता, मार्केट बंदा जाता अपनी मर्ज़ी से पर आता फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं। अभी भी सुबह बस ने दाना पानी डाला, जस्ट मुर्गी और चूजे खड़े थे, इन्होंने आवाज़ आई है ना मेरी, तो ये भागते भागते आ गए, तो इन्हें बस खोला था, तो बाकी किसी को भी नहीं डाला, नाश्ता किया और फिर मार्केट चले गए अम्मी के साथ शान भाई, फिर वहीं से आगे काम पे चले गए और हम घर आ गए। और गर्मी अभी भी टका के हो गई है, तो कुछ हो गया है काम और कुछ रहता है, तो अभी आधा प्रोसेस हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी इनका दाना पानी किसी का भी चेंज नहीं किया, सारों का दाना पानी चेंज करते हैं। तो ये फ़ौरन मेरे पास आ गए, भूखे लग रहे हैं मेरे को, सबसे पहले इनको डालेंगे फिर बाकी को डालते हैं। देखा ये मेरे इर्द गिर्द हो गए हैं, इनको शायद भूख लगी हुई है, लगी हुई होगी यकीनन, क्योंकि जो है ना इनको सुबह बस जल्दी में हमने खोल दिया था ताकि बाहर थोड़ा फिर टूट लेंगे, तो इन्हें कुछ डालता हूँ। वैसे हम अमूमन इनको इधर डालते हैं, इधर ही पानी भी इनका पड़ा हुआ है, इधर ही बाजरा भी डालते हैं, बट इधर का इशू ये है कि अभी इधर धूप साख्त है तो इधर खा नहीं पाएंगे, तो इनको मेरा दिल कर रहा है कि इधर छाँव पे डाल दूँ, इधर खा लेंगे, वो तो पीछे पीछे आ रहे हैं। इससे पहले कबूतरों को देख लें उनका पानी, पानी तो सुबह डाला था, पानी का ख़ास तौर पर गर्मियों में ख्याल रखते हैं हम, दिन में तीन तीन दफ़ा आके चेक करते रहते हैं ताकि पानी इनका ख़त्म ना हो। इनका दाना भी है, पानी भी है, ये ख्याल में सुबह शान भाई ने डाल दिया था, कह तो रहे थे कि डाल दो इन कबूतरों को डाल दो बाकियों की खैर है, फिर पता नहीं अब उन्होंने शायद डाल दिया था क्योंकि अभी भी है, ज़रूरत नहीं है डालने की। वेल, चूज़ों को कुछ डाल देता हूँ उन्हें, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे ख़बर मिली है कि बाजरा ख़त्म हुआ है, रिशान ने जो था सुबह रिशान भाई ने डाल दिया इन्हें कबूतरों को, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गियों को क्या डालूँ, भाग के ले आऊँ या मुर्गियों को आज चावल डालते हैं बॉयल करके, गुड ऑप्शन है इन्हें पानी। पर ये देखें इनके मतलब गर्मी से कैसे इन्होंने मुँह खुला हुआ है और हो रही हैं, हालांकि इनको हम खोल ही रखते हैं हर टाइम क्योंकि इस तरफ छाँव होती है, इधर आके बैठ जाएं दड़बे में तो इनकी धूप पड़ती है। ये तो सख्त वाला प्रैंक हो गया, मेरे जहन में ही नहीं था कि इनका बाजरा ख़त्म है, बिल्कुल बिल्कुल भी जहन में नहीं था, तो वो मज़े की बात जिहान में भी नहीं बताया जो था सुबह उन्होंने कबूतरों को डाल दिया। अब ये वैसे तोतों की जो फीड है ना वो बहुत शौक से खाते हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि इन्हें वो डाल देता हूँ, बाजरा अभी वापस आया हूँ और बहुत गर्मी है और बिल्कुल भी ऐसे मूड नहीं है जाने का, सूरज ढलेगा फिर शाम को जाके तो इनका बाजरा लेंगे। अभी तोतों की जो फीड है ना बजीज की, वो मेरा दिल है इन्हें डाल देता हूँ और उनको भी डालना है, उनका पानी भी चेंज करना है, एक कली जान और क्या क्या करे तो चलते हैं नीचे, पहले तोतों को उनका दाना पानी चेंज करते हैं फिर उन्हीं का वहाँ से दाना ला के ना इनको डाल देंगे, सही है ना, चलते हैं नीचे। हम तो मैं सोच नीचे जाने का अभी उठाऊँ, सोच रहा था नीचे जाऊँ अभी उठा ही हूँ, मेरे ख्याल आया मैंने कहा क्यों ना चावल बॉयल करके डालें, पहले भी मैंने ये सोचा है और बोला भी है वीडियो में, मेरे जहन से निकल गया, मैंने सोचा कि इनको भी चावल बॉयल करके डालते हैं, कुछ सॉफ्ट फूड भी होना चाहिए और इसी बहाने साथ नीचे बजीज और फिंचीज़ को भी डाल दिएगा, तो चावल बॉयल करते हैं तो इन्हें वो डालते हैं। मैं अभी नीचे गया हूँ ना लेने बॉयल करने चावल, तो मुझे पता चला कि चूल्हे फारिग नहीं हैं, तो फिर प्लान कैंसिल चावलों का मैंने, नहीं वही बजीज वाली फीड डाल दी है जो इन्हें बहुत पसंद है, बड़े शौक से खा रहे हैं, तो बजीज को भी नीचे दाना पानी चेंज कर लेते हैं,
तो मैं बस मुझे ये था कि ये भूखे हैं तो पहले इनको डाल दें फिर उधर डाला जाए, तो उनको मैंने नहीं डाला, पहले ला के इनको डाल दिया कि ये पहले खा लें, तो बड़े शौक से खा रहे हैं, अब उन्हें डालते हैं। तो ये बार बार तो शाम की पहले आदत आ गई मेरे अंदर। इनको ये ही डालेंगे जो हमारा ये जो फॉर्मूला बना है ना भेजें, यही डालेंगे इन्हें आज भी, और उम्मीद है कि ये काम करेगा। इन चीज़ इसके लिए शाम भी लाए थे स्पेशल खाली चीना और कंगनी, क्योंकि इनका अंदाज़ा नहीं हमें कि खाती थी। पहले हमने जब रखी थी हमने मिक्स फीड ही डाल दी थी, उस टाइम हमें नहीं पता था, फिर हमें पता लगा कि इनसे तो नहीं ये तो ये खाती हैं, वो हमने डाल के डाला वो भी इन्होंने नहीं खाया, फिर हमने यही डालते हैं तोतों के मिक्स फीड और ये खाती हैं शौक से खाती हैं। इसके अंदर कुछ मेडिसिन लगी हुई हैं ना जिसकी वजह से ये ऐसे चिपक सा गया है, इसे ऐसे करके इसे हटाता है हटाते हैं फिर इस तरह दाने अलग अलग हो जाते हैं, बसानी असर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। ये फार्मूला जो लगाया है ना ब्रीडिंग, इसके अंदर जो मेडिसिन कुछ लगी हैं, एग है मेडिसिन हैं कुछ देसी अंडे हैं, उसकी वजह से ये चिपका चिपका हुआ है। इनका पानी का भी कुछ हल करता हूँ, बाकी कुछ देखा ज़रा ज़रा से तोते मच्छी ये यहाँ पे मीडियो में भी कुछ अच्छी नहीं आती पिग्जल, पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे तो बहुत ही गंदे पिग्जल के साथ वीडियो बन रही हो, खुदाई जाने क्या मात्रा है, पता नहीं इधर क्यों वीडियो अच्छी नहीं आती है, शायद रोशनी कम है, बाल भी ऑन कर लो फिर भी नहीं मज़ा नहीं आया। तो आज वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए हाँ चैनल सब्सक्राइब करना है, लाल नहीं करना है।